एक बहुत ही अमीर पास्टर जी थे, पादरी जी थे, और परमेश्वर ने उन पर बड़ी कृपा की थी। वो बहुत ज़्यादा धनवान थे, इतने धनवान थे कि उन्होंने एक सोने की चर्च बनवाई। जिस समय उन्होंने चर्च बनवाई, ऐसी चर्च कहीं पर भी आसपास क्या दूर दराज तक नहीं थी। एक सोने की चर्च बनाने में आप सोच सकते हो कितना खर्चा आता है। और न सिर्फ उन्होंने सोने की चर्च बनवाई, बल्कि जो भी वहाँ पर श्रद्धालु आते थे, उस चर्च में आते थे प्रार्थना करने के लिए, प्रेयर करने के लिए, उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए बहुत अच्छे से इंतज़ाम करा रखे थे। 24 घंटे वहाँ पर कोई भी रह सकता था और चर्च में होने वाली प्रेयर में हिस्सा ले सकता था। तो ये चर्च बहुत दूर दूर तक इसकी चर्चा फैल गई। तो संडे को, हर संडे को सुबह 10 बजे पास्टर जी आते प्रभु के, परमेश्वर के बारे में बताने, और बहुत सारे लोग दूर दूर से पैदल चल के आते, यहाँ तक कि 50 किलोमीटर और 100 किलोमीटर दूर से भी लोग पैदल आते थे। तो ऐसा होता था कि पास्टर जी हर संडे को सुबह अपना जो वृत्तांत है वो शुरू करते थे, और सब लोगों को एक ही बात बताते थे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर जिंदा हो गया। बस एक ही बात पास्टर जी लोगों को बताते और सभा वहीं पर समाप्त हो जाती। तो बहुत सारे लोग जो दूर दूर से आते थे, वे सोचते थे, अरे यार, हम तो इतनी दूर से आए, पैदल चल के आए और 3 दिन से यहाँ पर रुके हुए हैं। इस बात का इंतजार कर रहे थे कि पास्टर जी अपना वृत्तांत देंगे, अपना प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे तो हम सुनेंगे। लेकिन पास्टर जी ने तो सिर्फ एक ही लाइन बोली, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर जिंदा हो गए। तो ये सिलसिला है, ये चलता रहा। 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, 3 साल हो गई, 4 साल हो गई। तो पास्टर जी बस एक ही बात बताते थे और इसके अलावा उन्होंने कोई दूसरी बात कभी बोली नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर जिंदा हो गए। अब सब लोग हैं वो पास्टर जी की बहुत ही इज्जत करते थे, सम्मान करते थे, इसलिए किसी में भी ये पूछने की हिम्मत नहीं होती थी कि पास्टर जी, हम इतनी दूर से आए हैं, पैदल चल के आए हैं और इतने दिन हमने खर्च कर दिए, तो हम तो आपके मुख से कुछ ज़्यादा सुनना चाहते थे, कुछ बाइबल स्टडी सुनना चाहते थे, लेकिन आप तो एक ही बात बताकर अपने भाषण को समाप्त कर देते हो। तो ऐसा चलता रहा। एट द लास्ट लोग है वो बिल्कुल ही कन्फ्यूज़ हो गए, परेशान हो गए। भाई नहीं, पास्टर जी से ज़रूर पूछेंगे भाई ये बात क्या है, और कुछ क्यों नहीं बताते। तो एक एक दिन सभी लोग जो उधर 100-150 आते थे, उन्होंने सभी इकट्ठे होकर पास्टर जी के पाँव पकड़ लिए और पास्टर जी से बोले, पास्टर जी आप हमें बताओ कि हम इतनी दूर से सुन के आते हैं, 3-3 4-4 दिन यहाँ इंतजार करते हैं आए संडे आने का, लेकिन आप एक ही बात बताकर ख़त्म कर देते हो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन फिर जिंदा हो गए। तो पास्टर जी बोले, आप सबको ये बात पता चल गई? बोला जी हाँ, हमें तो ये बात रट ली, हमें तो पता चल गई। तो बोले, अरे मूर्ख हो, जब तुम्हें पता चल गया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए, तो ये बात दूसरों को भी बताओ, इसलिए तुम्हें बताता हूँ ताकि तुम्हारे ये बात दिमाग में रट जाए।